दिस हेलमेट इज वन इन द वर्ल्ड अभी। ऑलराइट जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, सेकंड और थर्ड को IBW का इवेंट है। तो आज हम लोग स्टार्ट किए थे बैंगलोर से, बेसिकली 2 बजे के अराउंड निकल लिए थे। एंड हम लोगों ने 300 किलोमीटर कवर कर लिया है। और अभी देखो इधर पे भी व्लॉगिंग चल रही है। बट एनीवेज, पॉइंट ये है कि बेसिकली हम लोग रुके हुए हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। गाड़ी है हम लोगों का यहाँ पे पार्क है अभी। एक सामने एक छोटा शॉप है और एक वहाँ पे कामत है। तो होटल अच्छा है बट आई गेस क्लीनिंग चल रहा है। लोकल ट्राई करने में ज़्यादा मजा आता है। देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या बन गया। पड्डू लेना है, इडली लेना है। एक इडली एक पड्डू। तो एनीवेज, सनराइज हो चुका है। टाइम इज राइट नाउ 7:08। तो हम लोगों को बेसिकली 7-8 घंटा और लग जाएगा। आधा डिस्टेंस कवर हो चुका है। बाकी ये देखो सूखा सूखा सा घास है, कितना अच्छा लग रहा है रोड साइड में। तो जी हम लोगों ने ले लिया अभी पड्डू वड़ा। पड्डू ये अच्छा है ना। क्या देखो यार, इडली क्या फोटो दिया, देखो यार। दिखाओ। अरे यार देखो यार, पड्डू में क्या डाल दिया है। पड्डू में सांबर डाल दिया, चटनी डाल दी। सूरज भी आ रहा है। अरे वाह। हाँ जी, तो फाइनली अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है। एंड अभी टाइम हो गया 1/2 घंटा। वैसे हम लोगों ने काफ़ी टाइम ब्रेक ले लिया, बट अभी यहाँ से निकलेंगे एंड हेडिंग टुवर्ड्स गोवा। सो गाइज, राइट नाउ वी आर नियर टू बेलगावी। एंड अभी बेसिकली टाइम हो गया है हम लोगों का 10:00। यहाँ से रह गया है 4 घंटे का जर्नी। एंड होपफुली बाई 2:00 हम लोग पहुँच जाएंगे। बाकी एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी, वैसे ये जो चार्जिंग स्टेशन है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ये हर पेट्रोल पंप में मैंने मैक्सिमम पेट्रोल पंप में देखा यहाँ पे, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट अगर इन केस यू आर प्लानिंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ, ये चीज़ मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छी लगी। मतलब वो आइटनरी टाइप से जो है ना, वो प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा इसकी वजह से। और क्या, 5 बार रुक रुक के आएंगे। जाने दो भाई क्यों नहीं जाने दे रहे। जाने दो भाई। इधर हरियाणा और राजस्थान और गुजरात के बीच में बहस लड़ गई है। तमिलनाडु बोल रहा भाई, मैं तो जाने दो। शेर मिला क्या? शेर नहीं मिला। शेर का बस दोस्त मिला, उसने बोला यार शेर को बोल दिया है। सो गाइस, वी आर एट डेल्टा #दी स्पॉट। अच्छी जगह है, पूरा बीच फॉरेस्ट के में है। एंड लुक एट दिस। तो गाइज, फाइनली अपना चेक इन होने वाला है। ये वाला होटल है, दिस इज रिवेरा हर्मिटेज। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। मतलब ऐसा बिलीव नहीं किया था मैंने कि अच्छी हो जाएगी, वैसे काफ़ी अच्छी निकली है उस हिसाब से। एक इस इधर ही डबल ट्री हिल्टन की भी है, जो कि प्रॉपर्टी दूसरी वाली साइड में, सेम काइंड ऑफ विलाज यहाँ पे भी हैं। एक पूल फेसिंग हम लोगों ने लिया, तो मज़ा आ जाएगा। एंड बाकी अपना जो भी था सफ़र, तो अच्छा रहा। अभी शाम में जो भी इवेंट रहेगा, स्टॉल्स लग रही होंगी वैसे IBW में, वो हम लोग देखने जाएंगे। सो दिस इज़ वेयर रजिस्ट्रेशन आर हैपनिंग। यहाँ पे ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। एंड बाकी जो है इधर साइड में बाइक का पार्किंग है। हम लोगों ने प्री रजिस्टर किया था, कुछ गुडीज़ हैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट अभी जा के देखते हैं क्या क्या चीज़ें। क्या बोल रहे हैं? बहुत गर्मी है, गंदी गर्मी। फालतू में नहा के आए, दोबारा से वही हाल हो गए। ऑलराइट, तो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं IBW गोवा में। एंड दिस इज़ आवर बैंड जो कि एंट्री के लिए है। एंड दिस इज़ ग्रैंड विटारा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, जहाँ पे टेस्ट करेंगे व्हीकल्स को। एंड बाकी आगे सारा इवेंट चल रहा है वहाँ पे। आई गेस थ्रॉटल का है वो, मैक्सिमम टाइम ऐसे रहता है। एंड आगे बाकी इवेंट है। उधर पे मेन स्टेज है, अगर दिखा होगा यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा, वहाँ पे मेन स्टेज है, वहाँ पे नाइट में इवेंट रहेगा। एंड स्पेशली दिस एंट्री, लाइक एवरीवन वेट टू एंटर फ्रॉम हियर। बाइक्स आएंगी, सुपर बाइक्स आएंगी काफ़ी सारी रात में,
तो मज़ा आएगा। लुक एट दिस ह्यूज कार, काफ़ी अच्छा है, देखेंगे एक्सपीरियंस, एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वीडियो बनेगा यहाँ पे ब्लू भाई के साथ में। एंड काफ़ी सारी ब्रांड्स आई हैं इस बार, वैसे लास्ट टाइम लोनावला में बहुत सारी ब्रांड्स नहीं थी, वैसे इस टाइम पे काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल लुकिंग LED लाइट्स, अब यहाँ पे देखते हैं कैसा आता है। टेढ़ी हो चुकी है तब भी गिर नहीं रही है, मतलब इस साइड में जनरली अंदर में बैठ के जैसे उधर वाले ट्रैक में ना लगा था कि एक साइड पलट जाएगी, बट इट्स वेरी स्टेबल। एंड अभी यहाँ से जब नीचे भी उतरती है तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई होते हैं जिससे कि गाड़ी का ग्रिप बना रहे। जब भी कभी थोड़ा सा फंस जाए ना गाड़ी तो पीछे रिवर्स लेके निकाल सकते हो आराम से। वाह, तो फाइनली मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। एंड दिस इज हाउ द प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन फॉर IBW 2020। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऑफ रोडिंग टाइप सा पैच बना हुआ है। एंड आगे इस एक साइड में स्टॉल्स हैं खाने पीने का, इधर पे ये है कौन सा हैशटैग FCK ordinary। कुछ AC रूम्स बने हैं, गोवा है काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। ओ, मैं तो सोच रहा हूँ यार वो एक हाथ में पहनने वाला ले लूँ, है पुलक एक हाथ में पहनने वाला ले लेते हैं, टैनिंग नहीं होगी। आ जा, बहुत सारी ब्रांड्स हैं। अरे ये क्या KTM कौन सी है? अच्छा ये ऑटोलॉग ने जो वो डिज़ाइन की है ना, इज नाइस यार। हम लोग दोबारा शाम में वापस आ चुके हैं IBW अपना ठेके, और आई वॉज ड्राइविंग दिस जो कि मैं प्लान कर रहा था थोड़े टाइम पहले, बट anyways अब यहाँ से कर रहे हैं बुलू भाई का वेट। खन्ना अंदर जा चुका है, हम लोग वहाँ पे जाएंगे स्टोर पे। तो जैसा कि हर बार शुरू होता है कूदम मचना शुरू हो चुका है, यहाँ पे सारे बाइक्स लेके आ चुके हैं, दो गोल्ड विंग्स भी दिख रही हैं यहाँ पे मेरे को पीछे। आज मज़ा आएगा भाई। सो हियर इज मोटो मोरिनी मोरिनी बट बाइक का नाम बनी है, बट बाइक वेरी नाइस लुकिंग यार, मतलब मज़ा आ गया। ये भी अच्छी बाइक हो सकती है नेक्स्ट। हाइट एक्चुअली छोटा है, अफ्रीका ट्विन की तरह किया हुआ है ना, अफ्रीका ट्विन की तरह किया हुआ है। Things he does with motorcycles. He's just had a repaint job on his motorcycle, which was the blue Hayabusa, and he's converted it into a what? Totally. I'm just kidding. Okay, everybody. Hello, hello, lovely people. Ki hal chal? Ki hal chal? Awaaz nahi. That's awesome. Well, you seem to have like a call that kind of brings everybody together. How long did it take you to build the identity you have with the biking community, and what is that one factor that makes it? Yes, I am sabke liye. Everybody, can I call my lovely people, because you are bringing support here as well. Basically, you are here. Thank you guys, thank you for supporting. And yes, hey, buddy. So that's amazing that you have so many people who love your content and bring you to this experience together. अब व्हाट स्पेशल अबाउट दिस S1000 आर आर है, ये S1000 नहीं है, ये है इंडिया के लॉकी M1000 आर आर रेप्लिका है, मतलब बोलो 50th एनिवर्सरी रीजन। ये जो कलर है दिस इज वेरी स्पेशल। ईशा कॉलिंग माय ऑडियंस, सो फ्रेंडली बजा रहे क्या हैं? अभी बहुत सारे डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, पानी तो आते जाते रहेंगे, कैमरे की बैटरी ज्यादा जरूरी है। So here we are at KTM, and I'll show you the most unique bikes here.
beautiful sunset. This is Dakar Rally Bonjour. That is a ride which I cannot follow. It's fantastic. The training part is really to navigate very specific situations with a lot more ease. तो यहाँ पे एक मिली है बहुत ही अच्छी सी शॉप, यहाँ लिखा है वीली गुड कॉफी। नाइस। सो यहाँ पे कुछ शॉप्स लगी हुई हैं जो कि एसी में है एंड मतलब शॉप्स और छोड़ो ठंडा और लग रहा है ना यहाँ पे, वही बहुत है। बट अमेजिंग, मज़ा आ रहा है फील बाइकिंग वाली। यहाँ पे शॉप है KYT हेलमेट्स का, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सारे MotoGP में यूज़ होते हैं। KYT ब्रांड बेसिकली MotoGP के हेलमेट्स बनाती है, काफ़ी अच्छे अच्छे ग्राफिक्स वाले हेलमेट्स हैं। एंड ये एक हेलमेट है, सो दिस हेलमेट इज़ वन इन द वर्ल्ड, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इसका प्राइस अराउंड रहेगा 15 to 17,000 के अराउंड। बहुत सही है यार, इसका अच्छा ग्राफिक्स लगा, इवन इट इज़ वेरी लाइट वेट, सो बेटर टू गो फॉर दिस वन इंस्टेड ऑफ जो अपना AGV का जो लोअर वर्जन वाले हेलमेट आते हैं। भाई साहब मतलब बाइक की ना आज खत्म हो गई है। अभी मैं काफी दूर खड़ा हूँ, तब भी बहुत ज्यादा साउंड है, मतलब 80 डेसिबल लेट कर चुका है। Ladies and gentlemen, make some noise! Come on!